भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का परिचय। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह आयताकार है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है। यह देश की आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों को दर्शाता है। यह देश की ताकत और साहस को भी दर्शाता है। बीच में सफेद रंग है। यह शांति और सत्य का संकेत देता है। सबसे नीचे हरा रंग है। यह शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। यह संकेत देता है कि विकास मार्ग पर बढ़ते हमारे कदम कभी न रुकेंगे। इसके अलावा इस धर्म चक्र में शामिल 24 तिल्लियों का अपना एक अलग अलग मतलब है। आइए जानते हैं कि अशोक चक्र की 24 तिल्लियां क्या दर्शाते हैं। अशोक चक्र की 24 तिल्लियां मनुष्य के 24 गुण दर्शाते। जिस दिन राष्ट्र के सभी नागरिकों के पास ये 24 गुण आ गए, जिस दिन राष्ट्र के पास ये 24 गुण आ गए, उस दिन राष्ट्र विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। पहली तिल्ली दर्शाती है संयम को। दूसरी तिल्ली आरोग्य को दर्शाती। तीसरी तिल्ली शांति को दर्शाती है। चौथी तिल्ली त्याग को। पांचवी तिल्ली शील को। छठी तिल्ली सेवा। सातवीं तिल्ली क्षमा। आठवीं तिल्ली प्रेम। नौवीं तिल्ली मैत्री। दसवीं तिल्ली बंधुत्व। ग्यारहवीं तिल्ली संगठन। बारहवीं तिल्ली कल्याण। 13वीं तिली समृद्धि। 14वीं तिली उद्योग। 15वीं तिली सुरक्षा। 16वीं तिली नियम। 17वीं तिली समता। 18वीं तिली अर्थ। 19वीं तिली नीति। 20वीं तिली न्याय। 21वीं तिली सहकारी। 22वीं तिली कर्तव्य। 23वीं तिली अधिकार। और 24वीं तिल्ली बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। हमारी संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया।